अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह के मद्देनजर झांकी मार्ग और झांकी स्थलों का जनकारी समिति प्रभारी पार्षद शंकर यादव ने निरीक्षण कर सड़क और फुटपाथ को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले गणेश विसर्जन चल समारोह में मीलों की झांकियों में इस बार पर्यावरण को बचाने का संदेश देती तथा आचार्य तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचनों पर आधारित झांकी निकाली जाएगी। झांकी का निर्माण मालवा मिल गणेशोत्सव समिति के कलाकारों द्वारा मालवा मिल परिसर में ही किया जा रहा है। वहीं श्री कृष्ण की लीला व झांकी में तरुण सागर जी महाराज की मनोहारी प्रतिमा आमजन को आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। साथ ही झांकी में नदी, पहाड़, झरने, हरा भरा जंगल, साथ ही मरुस्थल को दर्शाया जाएगा, जिसमें आमजन को जल ही जीवन है, जंगल बचाओ जीवन बचाओ जैसे कई संदेश दिए जाएंगे। इंदौर शहर की परंपरा है। इंदौर शहर पहले मिलों के कारण ही जाना जाता था और ये अनंत चतुर्दशी के दिन सारी मिलों की झांकियाँ इंदौर शहर में निकलती थी। तो नगर निगम अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं, झांकी मार्ग ठीक हो, गड्ढे नहीं हो, और जो फुटपाथ है यहाँ पर उन फुटपाथों को भी हम ठीक करते हैं। वहाँ पब्लिक बैठ के झांकियों को देखती है और जहाँ से झांकियाँ निकलती मील के अंदर, जहाँ मील झांकियाँ बनती हैं और उनको निकलने का भी सुविधा हो वहाँ पर, क्यों बारिश के कारण जो मील के अंदर का हिस्सा जो कच्चा रहता है तो उनके जो ये ट्राले वाले फंस जाते हैं, तो वहाँ भी हम चूरी मुरम वगैरह डाल के और अगर सेट वेट वगैरह जो झांकी बनने का रहता है उसको भी हम ठीक करवाते हैं।